हाँ तो गाइस कैसे हो सारे। फाइनली यार न्यू ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ आपको। आज के ट्यूटोरियल में ये सिखाऊंगा कि आप फेस्टोन ऐप की मदद से कुछ इस तरीके का फोटो एडिट कैसे कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप में सिखाऊंगा आप कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हो अपने फोटो के बैकग्राउंड में, और सेकंड स्टेप पर सिखाऊंगा अपने कपड़ों का कलर कैसे चेंज कर सकते हो, वो भी वेरी इजी सिंपल स्टेप पर सिखाऊंगा। ओके तो आप एडिटिंग सीखना चाहते हो इसी तरीके से तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपका भाई जब भी कोई वीडियो डाले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और हाँ भाई कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम ऊपर दिख रहा होगा तो जाओ फॉलो भी कर लेना, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और हाँ भाई अब यार वीडियो को लाइक नहीं करते तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और यार लाइक करूँ और कॉमेंट में बताना आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा और आपको किस पर ट्यूटोरियल चाहिए उस पर मैं बना के आपको दे दूंगा, तो कमेंट जरूर करना। तो चलिए आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको फेस्टोन ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप मेरे पुराने यूजर्स होंगे तो आपको पता होगा फेस्टोन ऐप के बारे में, अगर नहीं हो अगर न्यू व्यूवर्स हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो वो भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपको मिल जाएगा आराम से प्ले स्टोर ऐप पर, तो वहाँ से जाकर आप इसे सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। और अलग तरीके से डाउनलोड आप मेरे चैनल पर जाके इस वीडियो को वॉच कर सकते हो अगर आप अलग तरीके से ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, इसे आपको ओपन कर लेना है। फेस्टोन टू ऐप इस तरीके से इंटरफेस का ओपन होगा। ओपन हो जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है। फोटो सेलेक्ट करना है तो ये फेस्टोन टू ऊपर आपको आइकन दिख रहा होगा, इसके पास आपको गैलरी का मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप टैप करके फोटो सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस फोटो का कलर बैकग्राउंड चेंज करेंगे, तो वो फेस्टोन ऐप टू में कैसे होता है तो मैं आपको वो बताऊँगा। तो आपको क्या कर लेना है, आपको इसे स्वाइप करते जाना है टूल को, और कलर्स दिख रहा होगा तो कलर्स पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपको फर्स्ट हुआई मिल जाता है, तो फर्स्ट आपको फेस के लिए मिल जाता है रेड, और फिर ऑरेंज पर आपको टैप कर लेना है। तो इस तरीके से आपको पहले इसको आपको थोड़ा सा फेस को रिटच कर लेना है, गोरा कर लेना है। येलो आइकन पर आपको टैप करने के बाद आपको इसे क्या कर लेना है, आपको इसे माइनस की ओर पीछे की ओर इस तरीके से ले जाना है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर से ग्रीन वाले आइकन पर आपको टैप कर लेना है। ग्रीन वाले आइकन पर टैप करने के बाद आपको इसे थोड़ा सा आपको इसे क्या कर लेना है, इसे भी आपको बैग ले जाना है इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो येलो टोन क्रिएट हो चुका है। फिर सैचुरेशन पर आपको क्लिक कर लेना है, और थोड़ा सा और आपको इसे फेस को हम एडिट करेंगे, रेड वाले पर आपको टैप कर लेना है। तो आपको क्या कर लेना है, इसे आपको थोड़ा सा पीछे की वो ले जाना है, माइनस 41 रहने देना है। और सेकंड वाले पर आपको टैप कर लेना है ऑरेंज पर, तो इसको आपको क्या कर लेना है, इसे आपको कर लेना है माइनस 52। आपके फोटो के हिसाब से भी आप कर सकते हो। फिर आपको येलो टोन पर आ जाना है, फिर आपको क्या कर लेना है, इसको आपको इस तरीके से आपको 100 कर लेना है प्लस। फिर ग्रीन वाला आइकन पर आपको आना है, और इसे भी आपको 100 कर लेना है। तो आप देख सकते हो येलो टोन आ चुका है। फिर आपको क्या करना है, ब्लू वाला आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है, ब्लू वाले कलर पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको इसे क्या कर लेना है, आपको माइनस 100 कर लेना है। ओके और फिर ल्यूमिनेंस का आपको टैप कर लेना है, और फिर से आपको येलो वाला क्लिप पर क्लिक कर लेना है, और फिर आपको ग्रीन वाला आइकन पर क्लिक कर लेना है। इसे आपको इस तरीके से बढ़ा लेना है 63, और इसे आपको ओके कर लेना है। तो आप देख सकते हो पहले का फोटो और अभी का, तो हमने काफ़ी सिंपल तरीके से येलो टोन इफेक्ट अपने फोटो को लेके आ गए हैं। ओके तो फिर आप आते हैं नेक्स्ट सेकंड स्टेप की, तो इस पर आपको मैं सिखाऊंगा कि आप अपने कपड़ों का कलर कैसे चेंज कर सकते हो। तो आपको ये सीधा इसके थर्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लोथ्स वाला आइकन दिखेगा, इस पर आपको जस्ट टैप कर लेना है। टैप कर लेना है, फिर ये थोड़ा सा लोडिंग होगा। लोडिंग हो जाने के बाद ये आपको थोड़ा सा नेट ऑन करना है, तभी आपके वर्क करेगा। फिर ये इस तरीके से आप टी शर्ट के कलर आ जाएंगे आपके सामने। तो आपको मैंने जैसा थंबनेल में रखा था वो रख लेता हूँ मैं, तो इस पर मैं टैप कर लूँगा। तो जस्ट वन क्लिक में आप देख सकते हो, आप इसका साइज बढ़ा और घटा भी सकते हो। ओके तो देख लीजिए, इमोजी आपको छोटा कर लेना है, तो इस तरीके से आपको इसके टी शर्ट पर लगा लेना है। तो ये ऑटोमेटिक अपने टी शर्ट का कलर चेंज कर देगा, और डिज़ाइन अलग तरीके से अपने टी शर्ट को दे देगा। और अगर आपके पेंट पर आपको ये दिख रहा है टी शर्ट का कलर, तो आपको इसे हटा, फिक्स वाला टूल दिख रहा है इस पर आपको जस्ट टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपको इरेजर पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आपको जूम करके यहाँ से आपको इसे इरेज कर लेना है अपने पेंट पर से इस शर्ट के कलर को हटाने के लिए, अगर आपको सही नहीं लग रहा है। तो मुझे सही नहीं लग रहा है, तो मैंने इसे हटा लिया है। फिर आपको क्या कर लेना है, इसे आपको ओके कर लेना है। तो देख सकते हो आप पहले का फोटो और अभी का फोटो, तो काफ़ी अमेजिंग तरीके से हमने फोटो को एडिट कर लिया है काफ़ी सिंपल स्टेप पर। अगर आप एडिटिंग के शौकीन हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपका भाई जब भी कोई वीडियो डाले तो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो इसी पर चाहिए, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए या इसी पर और कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं उस पर ट्यूटोरियल लेके आ जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।